बीकानेर में जननी शिशु सुरक्षा योजना का लाभ गांव में हर घर तक नहीं पहुंचा है। आंकड़े बताते हैं कि 2011 में 318 और 2012 में 263 महिलाओं ने प्रसव के दौरान दम तोड़ा। बीकानेर में योजना के हालात कमोबेश बिगड़े हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि योजना में महिलाओं को पूरी सुविधा दी जाती है, पर अभी भी जागरूकता की कमी है। आज भी गांव में डिलीवरी घर पर ही होती है। भविष्य में इन मातृ मृत्यु इस कारण से नहीं हो, इनको रोका जा सके, इस तरह का ये सिस्टम डेवलप किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्टिंग में अभी तक भी काफी गैप्स हैं। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक प्रसव के दौरान और डिलीवरी के बाद 45 दिन तक महिला की मृत्यु का कारण अगर प्रसव संबंधी है तो उसे मातृ मृत्यु माना जाता है। बीकानेर के राजकीय PBM अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि राज्य सरकार ने हर महिला के लिए मुफ्त इलाज जांच की सुविधा दी है, पर गांव में अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं पहुंची है। महिलाओं की मौत का कारण एक ये भी है कि वे लेट रिपोर्ट करती हैं और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। बीकानेर जो संभाग की जो रेट है वो अभी भी कम है, लेकिन फिर भी मृत्यु हो रही हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि एक तो जो पेशेंट्स है वो हमारे अस्पताल में लेट रिपोर्ट करता है, दूसरा उसके साथ साथ हेमरेज हो जाना, उसको विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन हो जाना या एक एक्लेम्प्सिया बीमारी होती है प्रेगनेंसी में, उसके कारण से ये मौत होती है। जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रसव के दौरान महिलाओं और उनके शिशुओं को बचाने के लिए शुरू की गई है, पर आज भी गाँव में सिर्फ 50% महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। जरूरत है कि सरकार योजना को 100% गांव में घर घर तक पहुंचाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जागरूक हों और मातृ मृत्यु को घटाया जा सके। श्री गोपाल व्यास के साथ नेहा कटोच, बीकानेर, जानो दुनिया।